इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेकरी स्टाइल सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी केक। इस मेथड से आप बनाओगे तो आपका केक बहुत ही अच्छा सॉफ्ट एंड फ्लफी बनेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको लेना है 1 कप मैदा, 1 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 पिंच नमक। अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट को हम मिक्स करके छन्नी से 3 बार छानेंगे और ये स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे स्किप ना करें। दोस्तों, जब तक मैं इस ड्राई इंग्रेडिएंट को छान रही हूँ, जब तक क्यों ना आप इस वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं रेसिपीज़ के अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट, मेकअप ट्यूटोरियल, मेहंदी डिज़ाइन और बहुत सारे रिव्यूज़ पर वीडियो बनाती हूँ। तो हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हो चुका है, तो अब हम वेट इंग्रेडिएंट्स को रेडी करते हैं। सबसे पहले एक बोल में 4 अंडे को बीट करेंगे जब तक ये बहुत ही अच्छे से फ्लफी ना हो जाए। अगर आप स्पून यूज़ कर रहे हो या फिर बीटर यूज़ कर रहे हो, उसे इतना बीट करना है कि वो थोड़ा सा फ्लफी हो जाए। बीटर से मैं बीट कर रही हूँ तो मैं इसे 5 मिनट तक कंटिन्यूसली बीट करूँगी। आप देख सकते हो ये फ्रॉथी ऊपर से हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 कप मेल्टेड बटर। आप चाहो तो इसमें वेजिटेबल ऑयल या फिर देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसे अच्छे से बीट कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच वेनिला एसेंस। मेजरमेंट्स आपको प्रॉपर रखना है, हो सके तो आप मेजरिंग स्पून और कप का इस्तेमाल करें। बिल्कुल इसी तरीके से बनाओगे तो नो फेल आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 कप पाउडर्ड शुगर और इसे भी हम बीट कर लेंगे 2 से 3 मिनट, ताकि सारा इंग्रेडिएंट अच्छे से मिल जाए। तो आप देख सकते हो कितना फ्रॉथी हमारा वेट इंग्रेडिएंट हो चुका है। तो अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड कर लेते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट को हमें थोड़ा थोड़ा बैच वाइज ऐड करना होगा, तो इसे अब हम बीटर से नहीं बल्कि स्पैचुला से फोल्ड करेंगे। थोड़ा थोड़ा बैच वाइज अगर हम मिक्स करेंगे तो लम्प्स नहीं आते हैं और बहुत ही अच्छे से ये मिक्स हो जाता है। इस स्टेज पे आप चाहो तो इसमें अखरोट या फिर मिक्स्ड ड्राई फ्रूट या फिर किशमिश या फिर चॉको चिप्स ऐड कर सकते हो। तो मैं इसमें मिलाने वाली हूँ चॉको चिप्स। ये लगभग 1/4 कप चॉको चिप्स है, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। तो अब हमारा बैटर रेडी हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, केक मोल्ड को ग्रीस कर लेते हैं। आप इसे ऑयल, बटर या फिर घी किसी से भी ग्रीस कर ले अच्छी तरीके से। अब हम इस पर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर लेंगे और इसे पैट कर लेंगे। ये करने से आपका जो केक का टेक्सचर है वो नीचे से क्रम्बली होता है। तो अब मैं केक मोल्ड में बैटर को ऐड कर लेती हूँ। इसे इस तरीके से टैप कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी बबल्स रहेगा वो रिलीज हो जाएगा। इसमें मैं ऊपर से और थोड़ी सी चॉको चिप्स ऐड कर लेती हूँ। इसे 200 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट्स तक बेक कर लेंगे। आप देख सकते हो कितना अच्छे से बेक हो गया है। तो अब हम टूथपिक को इंसर्ट करेंगे। अगर टूथपिक क्लीन आती है तो इसका मतलब है कि केक अच्छे से पक चुका है। तो मैं इसे मोल्ड से रिमूव कर लेती हूँ इस तरीके से। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से ये बेक हो चुका है। इसे कट करके मैं आपको बताती हूँ। सो आप देख सकते हो कितना अच्छे से ये बेक हो चुका है, परफेक्टली सॉफ्ट और फ्लफी केक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।